प्रथम विश्वयुद्ध की भयानक विभीषिका से गुजरने के बाद लोग यह चाहते थे कि भविष्य में अब ऐसा भयावह युद्ध न हो। 1918 के अंत तक आते आते जर्मनी युद्ध में पूरी तरह हार चुका था और मजबूरन जर्मनी को संधि की तरफ बढ़ना पड़ा। विश्व इतिहास पर चल रही धेआईएस की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। वर्साय की संधि एक ऐसा शांति पत्र था जिसे साम्राज्यवादी जर्मनी व मित्र राष्ट्रों के बीच 28 जून 1919 को हस्ताक्षरित किया गया। इस संधि ने 1914 से चल रहे प्रथम विश्वयुद्ध को समाप्त किया था। इस संधि को इसका नाम इसलिए मिला क्योंकि फ्रांस में स्थित वर्साय के महल में यह संधि साइन की गई थी। इस संधि से पहले 1918 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने एक 14 सूत्री फॉर्मूला दिया था। इस फॉर्मूले का उद्देश्य था कि युद्ध के बाद यूरोप का समाज कैसा हो। इन 14 सूत्रों ने ही आगे चलकर एक विश्व स्तर के संगठन को बनाने का प्रस्ताव दिया ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी युद्ध को आपसी सहमति व बातचीत के जरिए टाला जा सके। इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर आगे चलकर लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। ये 14 सूत्र कुछ इस प्रकार थे। किन्हीं दो देशों के बीच कोई गुप्त समझौता नहीं होगा, जो भी होगा वो लिखित और खुलेआम होगा। समुद्रों पर खुले रूप से आने जाने की छूट हर राष्ट्र को होगी। देशों के बीच किसी प्रकार के आर्थिक बैरियर नहीं होंगे। जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई भी देश आपस में हथियारों की होड़ नहीं लगाएगा। कॉलोनियों को लेकर स्थिति एकदम स्पष्ट होगी। रूस को उसकी खोई हुई जमीनें वापस की जाएंगी। बेल्जियम को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाएगा जैसे वह 1914 के पहले था, तथा फ्रांस को अल्सास और लॉरेन के प्रदेश वापस किए जाएंगे। और इसी प्रकार से कुछ और सूत्र भी इस संधि में शामिल थे। 14 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा होने के बाद जर्मन यह सोचने लगे कि आगे जो भी संधि होगी वह विल्सन के इन्हीं 14 सूत्री फॉर्मूले को ध्यान में रखकर की जाएगी। इस बात ने जर्मनी के लोगों को कुछ सुकून दिया, लेकिन हुआ कुछ और। जर्मनी के साथ संधि करने को 18 जनवरी 1919 को पेरिस में मित्र राष्ट्रों ने एक शांति सम्मेलन शुरू किया, लेकिन इस शांति सम्मेलन में सभी मित्र राष्ट्रों के मत एक समान नहीं थे और सब अपने अपने हित साधने में लगे हुए थे। अंततः मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर एक कठोर संधि थोप दी। यहां तक कि जर्मनी को इस संधि की शर्तें बनाते समय बुलाया भी नहीं गया और ना ही उनसे किसी प्रकार का सुझाव या परामर्श ही लिया गया। इस संधि की शर्तों के अनुसार जर्मनी से उसके सारे उपनिवेश छीन लिए गए। इसके साथ ही जर्मनी की 10% जमीन भी उससे छीन ली गई। पूरे युद्ध का जिम्मेदार जर्मनी को बनाया गया। जर्मनी का निशस्त्रीकरण कर दिया गया। उसकी थल सेना व जल सेना को कम कर दिया गया तथा जर्मनी को वायु सेना रखने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। जर्मनी की कोयला खदानें छीनकर 15 सालों के लिए फ्रांस को दे दी गईं और उस क्षेत्र को लीग ऑफ नेशंस के द्वारा संचालित किया जाने लगा तथा लगभग 6,600 मिलियन पाउंड का हर्जाना जर्मनी पर लगाया गया, जो कि एक बड़ी धनराशि थी। और कुछ इस तरह से जर्मनी पर वर्साय की संधि थोप दी गई। प्रथम विश्वयुद्ध जो कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया से शुरू हुआ था, उसका पूरा ठीकरा अकेले जर्मनी पर फोड़ देना जर्मन लोगों के लिए एक विष के समान था जो उन्हें मजबूरन पीना पड़ा। वर्साय की संधि का इतना बुरा असर जर्मनी पर पड़ा कि जर्मनी की हालत एकदम चकनाचूर हो गई। वहां की आर्थिक स्थितियां इतनी खराब हो गईं कि लोग भुखमरी की कगार पर आ गए। और शायद यही वजह थी कि जर्मनी के लोगों में अति राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी और जिसे हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने आगे चलकर खूब अच्छी तरह से भुनाया। ये तो थी वर्साय की संधि। अब इस संधि से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक के यूरोप का सफर कैसा रहा, यह हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे।